यहाँ पर जो मेरी बुआ है वो अमरूद पका रही है, क्योंकि बुआ बोल रही है अमरूद को पकाने से खांसी जुकाम ठीक होता है। जो बस है वो खराब हो गई थी रस्ते में ही, और बिल्कुल चारों तरफ सुनसान एकदम जंगल। उसके बाद जाके हमें एक बस मिली है, वहाँ पे बैठे हैं। मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर नहीं आ रही बस तो कॉल कर लीजिए। सो गाइस, अभी यहाँ पे जो बस है वो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है इस स्पॉट पे। जब भी हम पब्लिक बस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो बस है वो थोड़ी देर के लिए, और जस्ट 10 to 15 मिनट। अब हम पहुंच गए हैं हमारी बुआ के घर। यहाँ पर जो बुआ है क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते इसको, अमरूद पका रही है। हाँ, यहाँ पर जो मेरी बुआ है वो अमरूद पका रही है, क्योंकि बुआ बोल रही है अमरूद को पकाने से खांसी जुकाम ठीक होता है। ये रही मेरी बुआ, कह रही मेरा फेस मत दिखाओ। ये है मेरा भाई शानू, आज इसका प्रैक्टिकल है तो ये प्रैक्टिकल देने जा रहा है स्कूल। नमस्ते। इन सबको आओ, चला रही हूं। यहाँ पर बैठी है मेरी कजन दादी, मतलब मेरी बुआ की सास, और वहाँ बैठे मेरे दादाजी। नमस्ते बोल। नमस्ते। नमस्ते बोल। कोई नचू। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को? नहीं, कुछ तो बोल लो। मैं ठीक हूँ, कैसे हूँ? देहरादून से आई। देहरादून से आई बेटी, ठीक है, जरा घूम रही हूँ नीचे। हाँ, बरामदा में। ये रे मेरे दादाजी। मैं तो चल रहा हूँ। दादा बताओ जरा लोगों को क्या बोलना चाहूँ। अरे मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बस। हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, आप ठीक है? बस बस। तो अभी आप दादी के पास जा रहे हो गाँव? दादी खड़े कह रहे हैं केल बोल। हाँ, अब दादी के पास गाँव जा रहे हो? तुम खड़े खाना पकाए घोर दिए बोल। दादी बोल रही क्या बनाना है, रोटी सब्जी बनानी है या दाल चावल बनाने है? रोटी सब्जी बनानी, दाल चावल क्या बनाना दादी के लिए? किसके लिए? मेरे इधर रहने दे, तो अपने लिए बता देना जो बनाना है, भात दाल जो 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 भी खाना है। मेरे भाई का गांव जाने का मन नहीं कर रहा, पर मैं इसको जबरदस्ती लेके जा रही हूँ कि तू चल कल आ जाइयो। इसका मन है बुआ के घर इस लड़के के साथ घूमने का, पर मैं इसको जाने नहीं दूंगी। अभी जा रहा है अपना प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूटी पे। गाँव में ना कोटद्वार में ऐसे घर होते हैं, ऐसे वाले गेट होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एरिया होता है घर, यहाँ पर ऐसे होते हैं कोटद्वार में। हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। So guys, अभी हम हैं कोटद्वार में। सीन दिखाओ कोटद्वार का कैसे है। अभी हम जा रहे हैं गांव, मैं, दिवांश और दादाजी। वहां पर मैं आपको पूरा अपने गांव का सीन दिखाऊंगी, हमारा कौन सा गांव है, दादा दादी से बात कराऊंगी, वो सारी चीजें हम वहीं पर करेंगे, और अपने गांव का भी पूरा सीन मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्या बना रखा है इन्होंने, प्लांट का? ये क्या बन रखा है, है? पॉली हाउस। ये क्या है आप बताओ? पॉली हाउस है। पॉली हाउस क्या होता है? उसमें फल सब्जियां उगाते हैं। अच्छा, ये है पॉली हाउस, यहाँ पे फल सब्जियां उगाई जाती हैं।
अभी हम यहाँ से जाएंगे एटीएम, क्योंकि हम कैश बिल्कुल नहीं कैरी करा हमने। सो अभी हम जा रहे हैं एटीएम। तो ये पूरा दुपट्टा का सीन यहाँ की मार्केट जो है वो इस तरीके से होती है दुगड्डा की। मेरा दिवांश सब, ये मेरा स्टॉल निकालेगा जो मेरा स्कार्फ है वो यहाँ ऊपर किसी बैग में है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है और यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है, तो मेरा स्कार्फ है निकालने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं हमारे गांव। ये है गांव का रास्ता जहां से हम रोड से नीचे आते हैं। ये पूरा है व्यू हमारे गांव का, सामने नदी है और यहां से रास्ता है जहां पे मेरा भाई और दादा नीचे उतर रहे हैं। हाँ धूप नहीं आई है, आराम से आना था। तरीके का रास्ता है जिससे अपने घर की तरफ जाते हैं। मेरा भाई बैग्स को उठा रहा है, एंड वी आर गोइंग। वो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, आपको जो नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे घर है। और मेरी दादी ये रही हमारा वेट कर रही थी। चलो अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल घर है लोगों के। फाइनली अब हम अपने गांव पहुँच गए। दादा को देखने आए थे, मेरे दादा की तबीयत खराब थी। फाइनली ही इज फाइन नाउ, बेटर देन बिफोर। आपको कैसा लग रहा है लड्डू और मेरे को देख के यहाँ पे? मैं आज ही गांव पहुंची हूं और मैं लेके आ रही हूं अब दूध। सो हमारे घर के ही पास में है जहां से हम दूध लेके आते हैं, बिकॉज हमारे घर में गाय थी पहले, अब नहीं है, बहुत टाइम पहले थी, खेती थी पूरी, अब हम खेती नहीं करते हैं। तो बाकी सारा सामान जो है वो मार्केट से ही लाते हैं, जैसे हम दिल्ली में लाते हैं। बस यहाँ पे एक ही जो दूध है वो हम लाते हैं घर के ही पास से, ये वाली डोलची लेके जाते हैं और इसमें दूध लेके आते हैं। सो ये पूरा प्रॉपर रास्ता है कि जिधर हम जाते हैं अब हम दूध लेने जाएंगे। ये जो पिंक वाला घर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो घर है उसमें। सो देखो ऐसे पूरा रास्ता होता है गांव में, जब भी हम गांव के बीच से जाते हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं होती हैं, इस टाइप के रास्ते होते हैं। और यहाँ से ये पूरे पहाड़, जंगल बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं, पेड़ पौधे बोल सकते हैं, यहाँ पे खेती होती थी और यहीं पे हमारा खेत भी था जहाँ पे अभी हम खेती नहीं करते हैं। और यहाँ पे कोई भी खेती नहीं करता है, बस जहाँ पे मैं दूध लेने जा रही हूँ ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है सिर्फ उन्हीं की खेतों की है। ये इनकी छन्नी है जहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। ये है पूरा रास्ता। और पूरे गांव में आपको जब भी गांव के अंदर से रास्ते दिखेंगे वो इसी टाइप के दिखेंगे, जंगल के अंदर से जाते हैं तो भी इसी टाइप के रास्ते दिखते हैं। पहले यहाँ पे ना नदी हुआ करती थी इस जगह पे, ये जो जगह दिख रही है आपको ये वाली जहाँ पे मेरा पैर है, यहाँ पे पहले नदी होती थी। नदी भी पूरी सूख गई है ठंड के कारण, जबकि गर्मियों में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी रहता है। ये लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए काम आती हैं,
ये यहाँ पे रखे हुए हैं पत्ते गाय भैंस को खिलाने के लिए, और ये रही छन्नी। छन्नी मतलब कि जहाँ पे गाय भैंस ये सब रहते हैं उनके घर को बोलते हैं। ये रहे खेत और ये रहा उनका घर। अब मैं दूध लेने के बाद आप सभी लोगों से मिलती हूँ। देखो इस टाइप की जो नदी है ना, ये यहाँ पे दिखती थी, अभी आगे नहीं है, और गर्मी में तो पूरी भरी रहती थी। मैं आपको रात का यहाँ का दिखाना चाहती हूँ व्यू कैसा होता है, पूरा अंधेरा अंधेरा। और यहाँ पे जो छोटी मोटी लाइट्स दिख रही होंगी वो किसी की शॉप की या घर की लाइट्स है, जैसे हमारे यहाँ लाइट जली हुई है अभी थोड़ी, वैसे ही किसी के घर में जली होगी तो वो वहाँ पे शो हो रही है। बाकी ये पूरा एरिया जो होता है पूरा सुनसान, यहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती कहीं पर भी। ये पूरा पहाड़ का एरिया ये प्रॉपर, और सी पूरा अंधेरा, कोई नहीं है मेरे अलावा। मेरी आवाज़ आपको जो थोड़ी अजीब लगी होगी उसमें समझ जाना कि मेरी आवाज़ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है थोड़ा, बाकी धीरे भी बोल रही हूँ मैं, सो प्लीज़ उस चीज़ को कॉपरेट करना। मैं जितना ब्लॉग शूट कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। बाकी चलो गुड नाइट गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू खुशी रावत ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय।